हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू ईयर बैनर। तो आज मैं न्यू ईयर का एक सिंपल सा बैनर बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ये बैकग्राउंड ले लिया है इमेज के लिए। इस बैकग्राउंड के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड लॉक्ड है मेरा, इसको मैं लॉक्ड ही रहने दूंगी। इसके बाद हम इसके साथ शुरू करेंगे। इसके ऊपर लिखना हैप्पी न्यू ईयर। मैंने हैप्पी न्यू ईयर 2022 लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बहुत बड़ा है। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो अब इसको सेट करने के लिए टेक्स्ट को, पहले तो मैं फॉन्ट चेंज कर लूंगी, मुझे फॉन्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं यहाँ से ये फॉन्ट, ठीक है, आई थिंक थोड़े बोल्ड फॉन्ट लेने चाहिए। तो मैं ये वाले फॉन्ट ले लेती हूँ। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगी। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर का मैंने साइज बड़ा करा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और इसको सेंटर लाइन कर दूंगी। अब आप देखेंगे ये सेंटर लाइन हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मैंने किस तरीके से किया है। सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे ड्रैग करके हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया। अब इसके बाद मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना था, तो यहाँ से ओपन होता है ये विंडो में जाके, यहाँ पे देख रहे हैं आप करेक्टर्स, करेक्टर खुलते ही ये आ जाता है। मेरा ऑलरेडी खुला हुआ था तो इस वजह से मैंने यहीं से चेंज कर लिया था, तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया था। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के लिए, मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के लिए पैराग्राफ इसको क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया और मैंने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ से कर दिया था। ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है। ये जस्टिफाई अलाइन लेफ्ट, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई है। तो ये सब चीज अभी आपने देख लिया होगा। 2022 को भी सेंटर कर देते हैं। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ, बट मैं थोड़ा सा इसको 22 को भी थोड़ा सा साइज बड़ा करना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसको गोल्डन कलर देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊंगी, तो मैंने ले लिया ये वाला कलर। अब मैं जाऊंगी, मैंने राइट क्लिक किया और ब्लेंडिंग ऑप्शंस इस पे क्लिक करूंगी। और इसके बाद, और अब ग्रेडियंट ओवरले इस पे जाऊंगी, क्लिक किया और यहां से मैंने ये चूज किया फर्स्ट, इस
इसको ओके किया, तो यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ से इसको मैं शो ऑल इफेक्ट, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ दोबारा इफेक्ट्स पे, ग्रेडिएंट पे जाएंगे। अब मैं इसको कलर देती हूँ थोड़ा, और ये येलो कलर फिर से इस पे डाल देती हूँ। इस कलर को थोड़ा सा मैं येलो येलो का या येलो का थोड़ा सा लाइट कलर ले लेती हूँ। यहाँ कर दिया मैंने इसको क्लिक, तनी क्लिक यहाँ पे कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहती हूँ ये वाला जो डार्क कलर है ये यहाँ पे भी आ जाए, तो एक पिन मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बन गया, और एक पिन मैंने यहाँ पे बना दिया। देखिए इसके बाद एक मैं लाइट पिन चाहती हूँ यहाँ पे बन जाए, तो इस पे क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ पे दे दिया, तो लाइट पिन यहाँ पे बन गया। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में कर दूंगी इस तरीके से। जो डॉट्स हैं ये शेड की तरह यूज करूंगी इसको, इस तरीके से इस वाले डॉट को इसके साथ यहाँ पर, और इसको थोड़ा डार्क, ये लाइट वाला फिर इसके पास ले आऊंगी इस तरीके से। यहाँ पे एक लाइट और यहाँ पे सेंटर में एक डार्क। एडजस्ट मैं इसको करूंगी ओके, देन अगेन ओके। देख रहे हैं आप, अब मैं इसको एक फ्रेम दूंगी। यहां से मैंने कस्टम शेप टूल में जाऊंगी और यहाँ पे ये है मेरे पास फ्रेम, ये फ्रेम भी यूज कर सकती हूँ और ये भी यूज कर सकती हूँ, फिल वाला भी यूज कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये वाला फ्रेम लेती हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। इसको इस फ्रेम को थोड़ा पतला करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे है मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं। बड़ा कर लेते हैं, क्लोज कर लेती हूँ। इस डॉट पे मैंने क्लिक किया और अपने लेफ्ट एरो से पीछे कर दिया। सेम ऐसे ही मैं इधर करूंगी और नीचे की तरफ भी करूंगी।
ये हो गया थोड़ा पतला। तो जो मैंने न्यू ईयर के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाए थे, अब मैं सेम ऑप्शन इस पे अप्लाई करूंगी। तो मैं बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये वाले इफेक्ट ही कॉपी करके मैं इस पे पेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैं करूंगी राइट क्लिक और यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल करूंगी और इस पे कर दूंगी पेस्ट लेयर स्टाइल। पेस्ट लेयर स्टाइल, ये हो गया मेरा पेस्ट, ये देखिए। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। इस तरीके से हो गया। तो आपने इसमें देखा वीडियो में कैसे हमने ये इस पे इफेक्ट लगाए हैं। और भी डिफरेंट इफेक्ट्स आप इसमें लगा सकते हैं। ग्रेडियंट्स, बहुत तरह के ग्रेडियंट्स इसमें होते हैं। आप खुद देख के आपको कैसे ग्रेडियंट्स चाहिए तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर का बनाने का कोशिश किया था, कुछ आप देख रहे होंगे गोल्डन शेड की तरह मैंने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें जो भी मैंने आपको बताया आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें कि दूसरे भी इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you friends, thanks for watching this video.